हेलो दोस्त, रेलवे एलपी परीक्षा 1/2018 जिसमें A1 मेडिकल फेल होने पे टेक्नीशियन मिलेगा क्या? बहुत बड़ा डिस्कस हो चुका है, बहुत बार बोला गया है, सब लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं। अब इसमें यूट्यूबर के अलावा एक और भी कड़ी जुड़ चुकी है, न्यूज़पेपर में प्रकाशित समाचार। लोगों का कहना है कि न्यूज़ पेपर में ऐसा छपा हुआ है जिसमें 5 बिंदु छपा हुआ है। मैंने उसके 5 बिंदु देखा कि पहला क्या है कि एक परीक्षा से 2 पद के चयन के लिए किया जा रहा है, पहली बार संयुक्त परीक्षा हो रही है, इसमें 1.5 करोड़ कैंडिडेट ने भाग लिया, पहली बार आरआरबी कर रही है मेडिकल जांच। और फाइनल जो कहें, एक और प्रश्न इससे निकल के आ रहा है कि पहले एलपी की पोस्ट अलग लिया जाता था, इसकी हम रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूज पेपर कुछ भी हो वहाँ अगर ये प्रकाशित हुआ है तो ये किस आधार पे हुआ है। तो आप लोग भारत के नागरिक हैं, जानते ही हैं भारत में न्यूज पेपर की स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से जो टेक्निकल डाटा होता है कलेक्ट करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, और भारत का 4th स्तंभ होता है, यानी लोकतंत्र के अलावा जो हमारा सिस्टम है उसमें सोशल मीडिया में न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया का एक स्थान है जो अप्रूव्ड रूप से ये अपने काम करते रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो भी न्यूज़पेपर में छपती है उसका सबसे पहला कदम यही होता है, उनमें आप देखेंगे तो पहले आपको लिखा रहेगा न्यूज़पेपर का नाम, हेडलाइन, और हेडलाइन के बाद डेट रहता है, और उसके बाद शुरू होता है कि किसके अनुसार से। और इस न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो लिखा हुआ रहेगा कि आरआरबी के अधिकारी के अनुसार से, बिल्कुल सही होगा, आपने पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का अपना विचार नहीं है, ये विचार किसका है? आरआरबी के अधिकारी का। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस किया जा रहा है, तो आप उस न्यूज़पेपर को पढ़िएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा, कोई भी पेपर हो। तो यहाँ पर कह रहा है 1 परीक्षा से 2 पद का चयन होगा, गलत कोई नहीं कह सकता, बिल्कुल चयन होता है, इसीलिए तो आपको पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट करने के लिए दिया था कि अगर आपको उस पोस्ट में नहीं होगा तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में होगा, तीसरे में नहीं होगा तो चौथे में होगा, चौथे में भी नहीं होगा तो आपको वेटिंग लिस्ट में लिया जाएगा, यानी 2 से अधिक जितने भी कैटेगरी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन था वो सब पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल है। ये न्यूज़पेपर बिल्कुल यहाँ पर 100% राइट है। दूसरी फैक्ट चेक करना है, रियलिटी चेक करना है कि पहली बार संयुक्त परीक्षा हो रही है, बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 2/2014, इसमें भी एलपी और टेक्नीशियन की पूरी वैकेंसी पूरी कैटेगरी के अनुसार ली गई थी, यानी संयुक्त परीक्षा पहले से हो रही थी, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहले से हो रही थी। यहाँ पे जो लिखा जा रहा है पहली बार संयुक्त परीक्षा हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें 1.5 करोड़ कैंडिडेट ने भाग लिया, 1.5 करोड़ कैंडिडेट ने भाग लिया, और आपके पास अगर कोई सारा समाचार है तो इसको वेरीफाई कीजिएगा कि मैं गलत या क्या गलत। तो यहाँ पे 1.5 करोड़ कैंडिडेट की बात करेंगे तो हम लोग सब लोग जानते हैं जो सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/2018, टोटल कैंडिडेट का आवेदन करीब करीब 46 लाख के आसपास था, उसमें से 70 से 80% कहिए एग्ज़ाम में भाग लिए थे, और ये संख्या हुआ था 34 लाख प्लस में आया था CBT 1 के लिए, CBT 1 की बात कर रहे हैं। इसके बाद CBT 2 के 2 बार रिजल्ट आए थे CBT 1 के बाद, तो पहले में आपने देखा था कि 6 लाख कैंडिडेट करीब करीब पास हो रहे थे, लेकिन इसको रिवाइज करके रिज़ल्ट दिया गया था जिनमें मिनिमम कट ऑफ पे लिया गया था, तब यहाँ 13+ लाख कैंडिडेट पास हो गए थे, करीब करीब 14 लाख की बात किया जाता है, तो ये 14 लाख कैंडिडेट ने भाग लिया था। तो ये वेरीफाई कहाँ से होता है कि 1.5 करोड़ कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में भाग लिए थे? तो नहीं लिए थे, सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद अगला कड़ी है कि पहली बार आरआरबी कर रही है अपनी मेडिकल की जांच। जितनी भी आपने सुना होगा, जितने भी मेडिकल जांच देखा होगा, अभी आरआरबी पटना पे मेडिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 दिन पहले मैं वीडियो बना दिया हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आज आया है, 3 दिन पहले वो आया हुआ था, जिसमें 139 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए दोबारा भेजा है। इस 139 कैंडिडेट को दोबारा मेडिकल भेजा है इसलिए क्योंकि वो A1 या B1 या उससे नीचे कैटेगरी में जो पोस्ट अलॉट हुआ है उनके अनुसार से वो फिट नहीं हुए हैं। अगर वो फिट होते तो उनको जॉब वहीं दी जाती, उनकी जॉब की समस्या सॉल्यूशन हो जाती। अगर इन्हें अगर
एलपी के फेल होने पे टेक्नीशियन देना था तो री मेडिकल की क्या ज़रूरत पड़ी। नोटिफिकेशन पढ़िएगा और वहाँ पे देखिएगा कि रेलवे मेडिकल की जांच का जो स्थान दिया हुआ है यानी आरआरबी पटना और आरआरबी भुवनेश्वर आपकी मुजफ्फरपुर दोनों का एक ही जगह हो रहा है मेडिकल, कहाँ पे? दानापुर और मुगलसराय में। और वो कहाँ पे हो रहा है? वो भी डिवीज़न में हो रहा है। तो जब इस न्यूज़ में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि आरआरबी पहली बार कर रही है जांच, उसके अधिकारी कर रहे हैं नियंत्रण। तो ये पूरी तरह से सही है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ये गलत है। जांच आरआरबी पहले भी करता था, आपका मेडिकल डिवीज़न में ही होता था। मैं भी दो बार दे चुका हूँ, सारी मेडिकल डिवीज़न में ही होती है और रेलवे हॉस्पिटल में ही होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उस टेस्ट को करवाया जाता है जिसका उस हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं होती है, और इसकी कंट्रोलिंग आपको आरआरबी ही करती है। इस बार एडिशन ये किया है, पहले कैंडिडेट को कोई आइडेंटिफाई नहीं रहता था, अपना आईडी कार्ड लेके जाता था, इस बार आधार कार्ड नंबर दे दिया और हाथ में बैंड दिया था, टेम्पर प्रूफ बैंड, जिसको लेके आपको मेडिकल हॉस्पिटल में जाना था कि कैंडिडेट इसको टेम्पर न कर सके और कैंडिडेट की पहचान सही रखी जाए। तो ये एक डिफरेंस था पहले के मेडिकल में। और कह सकते हैं कि अधिकारी जांच करने वाले हर बार चेंज होती है, कमेटी बनती है, तो हर बार कमेटी अलग अलग हो सकता है, उसको कंट्रोल करेगा, या कह दें कि पैनल का मेंबर जो होता है उस मेंबर को कंट्रोल करेगा कि मेडिकल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने लोगों को लिया जा रहा है, कितने को फेल किया जा रहा है, फिर से कितनी मेडिकल को री मेडिकल इंक्वायरी करना है। ये सब आरआरबी पहले भी करती थी, अभी भी करती है। और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि पहली बार एलपी की पोस्ट की परीक्षा अलग ली जा गया था, तो यहाँ भी सही है, पहली बार परीक्षा अलग लिया गया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं सीबीटी 3 एलपी के लिए ही केवल होती है और ये पहली बार ये टर्म है, ये नहीं है, क्योंकि सीबीटी 3 यानी साइको टेस्ट परीक्षा हर बार हर एग्ज़ाम में एलपी की अलग ली जाती थी। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि जब A1 फेल होगा तो कह रहा है टेक्नीशियन पोस्ट मिल जाएगा। अपने देखा है कि रेलवे की एक वैकेंसी में 156 कैटेगरी है और 156 कैटेगरी की सबकी कट ऑफ अलग अलग है। अगर ऐसा करना होता आरआरबी को तो कैटेगरी अलग अलग, क्वालिफिकेशन अलग अलग करने का अतंब नहीं था। और सिंपल सी कह दे कि अगर ये न्यूज आज से 5 दिन पहले आती, जब आपकी कट ऑफ नहीं जारी हुई थी, 2 दिन पहले आती, कट ऑफ जारी नहीं थी, तब लोगों में और शंका पैदा करता कि ये बिल्कुल न्यूज़ सही है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो अधिकारी ने उनको बताया वो सही अधिकारी ने मार्गदर्शन किया या प्रकाशित करने में कुछ उसमें चेंज हुआ। ये भी हो सकता है कि जो आपका चयन प्रक्रिया के 2 प्रोसेस बताया गया, पहली बार संयुक्त बताया गया, इतने कैंडिडेट बताया गया, इन इतनी आरआरबी की मेडिकल जांच कर रही है और पहली बार एलपी की अलग परीक्षा की जा रही है, ये सारे टॉपिक को देखेंगे तो आपको एक चीज़ सिंपल सी दिखेगी कि इसमें एक ही प्रश्न सही दिख रहे हैं जो 100% सही है, बाकी पार्शियली सही है। यानी जो अधिकारी ने समझाने की कोशिश की या तो इस अखबार में पूरी तरह से समझा नहीं गया, या ये जो अधिकारी थे उनको इनको सही से तरीके से बताया नहीं रूल को कि क्या प्रोसेस है, रेलवे का रूल क्या है। जब हमारे पास कटअप जारी हो गया है तो एलपी से कटअप से टेक्नीशियन में कैसे जा सकते हैं, और अगर जाएंगे तो बाकी एलपी वाले या टेक्नीशियन वाला कैंडिडेट वो कैसे मान लेंगे कि आपने हमारी पोस्ट किसी और को दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें है, टेक्निकल टर्म यहाँ पे शुरू होता है आरआरबी के साथ, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा आरआरबी का रूल। जब आपकी सिलेक्शन एलपी में हो रखा है और आपका नंबर 70 है तो कहेंगे कि 30 वाला नंबर का मैं पोस्ट ले लूँगा, तो 30 वाला आपके पास अगर उसको जॉब नहीं मिलता है तो ये कहाँ जाएगा? कैट में कोशिश करेगा, कोर्ट जाएगा, न्याय की मांग करेगा आरआरबी से, तब क्या होगा? तब क्या होगा? आरआरबी को फिर से रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो नाम दे दिया था कि इस व्यक्ति का 30 से ऊपर कटअप है, इसका सिलेक्शन हो चुका है, अब सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दूसरी बात बनता है, लोगों ने कहते हैं कि जब आपका 30 वाला और 70 वाला का इंटरचेंज कर दे तो 30 वाला को 70 में इंटरचेंज कर देगा, यानी 70 वालों को 30 वाला टेक्नीशियन पोस्ट दे देगा, 30 वाला को 70 में दे देगा आपका एलपी पोस्ट दे देगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि 69 में जो वेटिंग लिस्ट में है उसका क्या होगा? 30 वाला को अगर एलपी मिलता है तो 69 वालों को क्या होगा? तो यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, जो
आरआरबी की पॉलिसी है उसके अनुसार से जो जिस कटअप को क्रॉस किया है उसमें मिलेगा। अगर एडजस्टमेंट की बात होती तो एडजस्टमेंट आपको कटअप से पहले सारी होती है, रिजल्ट से पहले होती है, जब आपकी पोस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। इसीलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि पोस्ट प्रायोरिटी पहले मिला है हमें कि हमारा मेडिकल पहले हुआ है। तो मेडिकल उस पोस्ट को लिया जाता है जिसके लिए आपने क्वालिफाई किया है, और पोस्ट प्रायोरिटी उस पोस्ट को दिया जाता है जिसके लिए आपने स्कोर किया है, कितना मार्क किया है। थैंक यू।